हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज मैं आपके साथ डेली वेयर साड़ी ड्रेप शेयर करने वाली हूँ। नॉर्मली हम घर में कैसे साड़ी पहने, जो सॉफ्ट फैब्रिक की साड़ी होती है उसे हम फटाफट से कैसे पहने और कम ऑलपिन यूज़ करके। तो इस तरह से मैंने जो जॉर्जेट की साड़ी होती है उसमें मैं नॉट बना लेती हूँ, जिससे वो निकलती नहीं है, मैं उठने बैठने में हमारी साड़ी खुलती नहीं है। तो इस तरह से आपको सिंपल सी नॉट बनानी है और आपका वन ड्रेप कंप्लीट करना है, जो वन राउंड करते हैं वो कंप्लीट करना है। सो फ्रेंड, अगर आपको मेरे वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं और आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो अब मैं पल्ला अपना मेज़र कर रही हूँ कि मुझे पल्ला कितना लेना है। मोस्टली जो साड़ी होती हैं उनमें जो पल्ले का बॉर्डर होता है वो बहुत कम होता है, बट इतना छोटा पल्ला पिन के साथ नहीं अच्छा लगता है। तो मैं थोड़ा सा लंबा पल्लू कर लूँगी तो वो जो बॉर्डर है वो मेरा सामने तक नहीं आएगा। मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, सामने आपको अगर बॉर्डर लाना है तो आपका जो ब्लाउज़ पीस होता है उसमें आपका जो बॉर्डर दिया होता है वो आप यहाँ पे लगवा सकते हैं और ब्लाउज़ को थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में बनवा सकते हैं, उसमें उससे मैचिंग कोई गोल्डन लेस या फिर पाइपिंग यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से जो आपकी साड़ी का बॉर्डर है वो पीछे साइड और यहाँ जो पल्लू होता है वहाँ पे भी आपका फ्रंट तक आएगा। तो आप ये ट्रिक फॉलो कर सकते हैं, मैं मोस्टली साड़ियों के साथ ऐसा ही करती हूँ। तो ये मैं फ्रंट प्लीट्स बना रही हूँ और जो सॉफ्ट जॉर्जेट की साड़ी होती हैं उनमें बहुत ही इजीली प्लेट्स बन जाती हैं और फटाफट से साड़ी मतलब पहन सकते हैं आप, अगर आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो। ये छोटी छोटी सी प्लेट्स बनाती हैं, बहुत लोग कहते हैं कि प्लेट्स बनाने में हाथ दर्द करने लगते हैं, तो आप इस ट्रिक से प्लेट्स बनाइए तो आपकी जो फिंगर्स हैं वो नहीं दर्द करेंगी। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा पिन नहीं यूज़ की है बिकॉज़ जो साड़ी बैठने में खिंचती है तो जो पिन हो हम लगाते हैं उससे साड़ी फट जाती है। इस वजह से आप इस तरह से जो फैब्रिक है उसे अंदर की साइड खींच के टाइट कर सकते हैं और वहाँ पे आप छोटी सी नॉट भी बना सकते हैं या फिर इस तरह से सर्कल करके आप उसे अंदर टक कर लेंगे तो आपकी साड़ी जो है टाइट फिटिंग रहेगी। और हम जो नॉर्मली घर में साड़ी पहनते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब टाइट और मतलब ऐसे पहनते हैं कि हम कंफर्टेबल होके काम कर पाएँ। तो इस तरह से आप कम पिन यूज़ करके भी साड़ी अच्छे से पहन सकते हैं। अब आपको शोल्डर प्लेट्स बनानी हैं, तो ये जो जॉर्जेट की फैब्रिक की साड़ी होती हैं उनको आप इस तरह से प्लेट्स बना सकते हैं, बहुत ही ईजिली बन जाती हैं जिस तरह से मैं बना रही हूँ। सिल्क की साड़ी में हमें थोड़ा सा अच्छे से बनाना होता है, पर जॉर्जेट की साड़ी में फटाफट से प्लेट बन जाती हैं। और यहाँ शोल्डर पे भी मैं ओनली वन पिन यूज़ करूँगी। जो जॉर्जेट की साड़ी होती हैं उनमें ज़्यादा पिन यूज़ करो तो साड़ी जो होती है वो ख़राब हो जाती है, तो मैं बहुत ही कम ऑल पिन यूज़ करती हूँ। मोस्टली मैं जब पहनती हूँ तो मैं तो वन पिन ही यूज़ करती हूँ ओनली शोल्डर पे, बट जो बिगनर हैं जो नहीं पहन पाते हैं उन्हें एक दो ऑल पिन यूज़ करनी पड़ती है क्योंकि साड़ी पहनने में उन्हें डर लगता है कि साड़ी खुल ना जाए। इस वजह से आप एक दो ऑल पिन यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरी शोल्डर प्लेट्स भी बन गई हैं और फ्रंट की प्लेट्स बस मैं ऐसे ही अच्छे से कर दूँगी, वहाँ पर मैं ऑल पिन नहीं यूज़ करूँगी। सो अगर आपको लगता है कि आपकी फ्रंट प्लेट चलने में खुल जाती है तो आप यहाँ पे एक ऑल पिन यूज़ कर सकते हैं, जो आपकी फ्रंट की प्लेट्स हैं उनको सबको आप गैदर करके एक बड़ी सी ऑल पिन अंदर से टक करके लगा सकते हैं या फिर आप शो पिन भी लगा सकते हैं। मुझे शो पिन नहीं अच्छी लगती हैं इस वजह से मैं अंदर से लगा लेती हूँ। तो इस तरह से अगर आपको डर लगता है कि आपकी फ्रंट प्लेट्स खुल जाएंगी चलने में तो आप ये वाली ऑल पिन यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने घर में डेली वेयर में इस तरह से साड़ी पहन सकते हैं फटाफट से। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।